जी इस मौके पर देखो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मुबीन सौदागर, आज उनकी इकलौती पत्नी का बर्थडे है और उसको विश करने में यहाँ आया हूँ। मुबीन से डबल संबंध है मेरे, मध्य प्रदेश का है, मेरे बाजू वाले जिले का है, हम दोनों की दूरी 100 मील की है लेकिन मुंबई में केवल 100 मीटर की दूरी पे, तो वहाँ भी पड़ोसी यहाँ भी पड़ोसी, और इसने उस क्षेत्र का नाम रोशन किया, इसलिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले मेहमान के लिए मेरी दिल से दुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने मुझे कैद किया और मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच जी। ऑप्शन दिया जाए, अच्छा नाम क्या नाम सजेस्ट करना चाहेंगे उसके लिए? हाँ उसके लिए यार ये थोड़ा कठिन काम है, इसलिए कठिन काम है कि पहले तो मेरी दुआ रहे कि लड़की जन्म ले और लड़की देश का नाम रोशन करे, और लड़कियों को जितने हकारत से लोग देखते हैं तो ये घर की लक्ष्मी बनकर आए और लक्ष्मी बने। मुबीन है तो लड़की होगी तो वो अपनी डिक्शनरी में नाम देखेगा, उसके दादा दादी उसके नाना नानी सोचेंगे नाम, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा नाम लड़की के लिए लगता है खुशबू, पूरे परिवार की खुशबू बने, खानदान की खुशबू बने और इस देश की खुशबू बने, तो मैं चाहता हूँ अगर लड़की हुई तो नाम खुशबू रखा जाए, और अगर बेटा हो गया तो बेटा तो फिर मुबीन पे जाएगा, वो भी हंसाएगा तो उसका नाम हसमुख टाइप का होना, हंसी वाला नाम होना, उसके नाम पे ही एक हंसी, तो एक नाम है आलीशान, उसका नाम ही आलीशान हो जाए जिसके आने से पूरे परिवार को खुशी हो। थैंक यू वेरी मच। ये मित्रों ऐसे देख के फील आ रहा है कि पीएम वाली फील आ रही है। बच्चा बैठ जा बिल्कुल यही काश मैं वो होता तो मैं अच्छी दुआ देता आया है, अभी दिल से दुआ दे रहा हूँ क्योंकि वो जो दुआ देते वो अलग थे, पर मेरे दोस्त के फंक्शन है तो मैं ये चाहूँगा कि बस जो बेबी आए बहुत हेल्दी आए, बहुत अच्छे आए, मतलब सारी पूरी फीलिंग के साथ है और उससे बड़ा एक्टर बने, एक्ट्रेस या एक्टर दोनों बने, ये सारी दुआ है। स्पेशल विशेष यही है कि बस देखो उनके फादर भी मिमिक्री करते हैं, मैं भी मिमिक्री करता हूँ, तो मिमिक्री में मैं एक ही बात कहूँगा, मित्रों भाई बहनों सबका विकास सबके साथ तो मैंने बोला है, लेकिन अगर बेटी होती है बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। थैंक यू थैंक यू। हम लोगों को तो पता ही था मुबीन ने हम लोगों को जो इनविटेशन भेजा था उससे हम लोगों को पता था कि बेबी शावर होने जा रहा है, बट स्पेशली मेंशन किया गया था कि उनके वाइफ को हम ना बताएं, जो हम नहीं बताए हैं, और इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर हर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा इतना स्पेशल कोई हस्बैंड अपने वाइफ के लिए इतना कुछ कर रहा है, सो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है बीइंग अ मैरिड वुमन। क्या आपके रिएक्शन में ऑब्वियसली हमारे बड़ा कह के ऐसा भी बोलता है, रोमांटिकली मानती है।
बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीरियसली, मतलब कितना मतलब सोच के उसने ये किया होगा कि उसको पता. मैं यही सोचने लगी थी कि जब वो अपने वाइफ को क्या बोल के यहाँ पे लाएगा, यही बोलेगा कि किसी और का है या कुछ ऐसा पार्टी है, चलो चलते हैं, ऐसा बोल के लाया होगा. सो इतने दिन तक ये सरप्राइज मेंटेन करके रखना इट्स रियली डिफ़िकल्ट एंड बट इट्स नाइस. मैं ऐसे सरप्राइजेस पाना चाहूँगी अपने हस्बैंड से. एक्चुअली नहीं, अभी हमने कोई भी ऐसा प्लान्स तो नहीं किया है. मे बी हमारे पेरेंट्स लोग कर चुके होंगे, उनका तो मतलब है कि बस शादी हो गई है तो अभी जल्द से जल्द ये दिन भी आ जाए, लेकिन हम तो अभी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है. मैं तो अभी जल्दी शेप में आई हूँ तो मैं कुछ दिन तक ये मज़ा लेना चाहूँगी, मैं शेप में रहना चाहूँगी और फिर उसके बाद जब बेबी आएगी तो मतलब कम्प्लीटली उसके लिए मैं हो जाऊँगी. सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ओनली माय बेबी, सो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है. मैं खुद हैरान थी जब मैं बाहर आई बिग बॉस से, तो मैंने देखा आई लॉस्ट 10 kgs, विच वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. मुझे और 5-6 kilo कम करना है डेफिनेटली, मैं उसके लिए अभी ट्राई कर रही हूँ. तो लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस. बिग बॉस के लिए तो हमेशा ही एक्साइटमेंट रहती है और जब मैं नहीं भी अंदर गई थी तब भी बहुत ज़्यादा थी और अभी भी मतलब शुरू होने जा रही है. सारे लोग मतलब यही सोच रहे हैं कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है. इतने सारे नेम्स आ रहे हैं, YouTube में छा गया है कि कौन कौन आने वाला है, बट फाइनली जो होता है वो हम लोगों को 1 अक्टूबर को ही पता चलेगा जब बिग बॉस स्टार्ट होगा एंड वी आर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग सब. आई वुड लव टू बी सीन इन बिग बॉस 11 अगेन. पहले जो घर के अंदर एक स्ट्रेस सा माहौल रहता था वो अब नहीं है, क्योंकि बाहर आने के बाद जितना खुशी मुझे मिला है लाइक वो अनबिलीवेबल खुशी था. और सो मैं डेफिनेटली अभी मैं अगर वहाँ अंदर जाऊँगी तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा. नहीं अभी तक तो कुछ कॉल नहीं आया है, बट मे बी आप लोगों के जरिए आ जाए. मेरे लिए तो जग जाहिर है, ऑफकोर्स सबको पता है कि कितना चेंजेस आया है. पहले एक रीजनल जोन ही टारगेटेड था, मतलब उस जोन में मैं ज़्यादा दिखती थी, बट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे लोग जानते हैं एंड मैं उनके मैसेजेस मुझे मिलते हैं सोशल साइट्स पे एंड इट्स अ बिग थिंग. अभी जब भी कुछ हुआ है मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को मतलब फैंस को मैंने सरप्राइजेस दिया है, तो डेफिनेटली बिग सरप्राइजेस आर कमिंग. तो मुझे धीरे धीरे ओपन करना अच्छा लगता है. थैंक यू.